अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा प्लान बना है पार्क साइड फार्म जाने का, लेकिन जाने से पहले एक प्रॉब्लम ये है कि कल रात को जब मैं टिकट्स बुक कर रहा था उस टाइम वेदर मैंने चेक किया था तो सनी शो हो रहा था, लेकिन अभी लगता है बारिश हो जाएगी। अगर बारिश होगी तो काम खराब ही है, तो बाहर अभी चल के देखते हैं क्या होगा। उम्मीद है बारिश नहीं होगी, बाकी अल्लाह मालिक है, तो अभी चलते हैं। अभी हम इधर फार्म पहुंचे हैं, पर जिस बात का डर था वो ये हुआ कि ये देखें जी बारिश लगी हुई है। चलो अभी अंदर चलते हैं। सबसे पहले प्लान बना है कि स्ट्रॉबेरीज की तरफ चलते हैं, स्ट्रॉबेरीज फार्म की तरफ। अभी हम स्ट्रॉबेरीज फार्म के अंदर आ गए हैं, तो इन्होंने हमें ये बकेट्स दी हैं और बताया कि वेजिटेबल्स के लिए ये बैग्स यूज़ करने हैं और फ्रूट्स के लिए बकेट्स यूज़ करनी है। तो अभी देखते हैं, कोई चीज़ अगर पसंद आई तो वो लेंगे। पहले अभी आपको इधर ज़रा स्ट्रॉबेरीज दिखाते हैं, ये अभी ज़रा पकी नहीं है। तो अभी ये सारी ऐसे ये डाल लो बकेट में, एक बकेट यूज़ कर लो ना इसी के लिए। रेड ढूंढ के डालो, वैसे ही ना डालो, रेड है ना। ये देखो ये सही है, ये वाली। अभी ये वाली स्ट्रॉबेरीज अभी नहीं पकी हुई, तो ये सामने सारी इस पूरी रो में स्ट्रॉबेरीज हैं। बोले इतनी छोटी छोटी तो उन्होंने डाले, इसका क्या करना है, ये तो ऐसे ही खा सकते हैं। खा के चेक करूं? चेक करें ना जरा टेस्ट कैसा है। मीठी है बहुत। गुड 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 गुड। अभी ना बताऊं मेरा क्या दिल है अमीना, क्या वो सामने उस जगह ऊपर चल के देखते हैं उधर ऊपर क्या है। चलिया स्वीट कॉर्न। अभी सामने जाने लगे हैं, उधर चल के देखते हैं उधर क्या है। सामने ब्लैक बेरीज हैं, उधर चलते हैं। अभी तो मीना इधर आई है, मुझे कहती है इधर ज़रा वेट करो, मैं ज़रा तोरियां ले लूँ, मैं कल खाने में बनानी है। तो अभी मैडम ढूंढ रही हैं, देखना कच्ची ना हो। तो मीना नहीं ना, ये नहीं ना, ये छोटी है ना। तो मीना इस तरफ आई थिंक बड़ी लगी हुई है, इस तरफ इधर आओ। है जी फ्रेश पालक। आज की मेरी सबसे फेवरेट जगह ब्लैकबेरीज, फ्रेश फ्रेश। देखना जो फुल ब्लैक कलर की है ना वो वाली लेना, ये नहीं ये कच्ची है। ओके। दूसरी लो, हाँ ये वाली, ये देखो इस तरह की, ये जिस तरह इसका कलर है ना, ये इसका अच्छा। ये फुल ब्लैक इस तरह की। पता जो फुल ब्लैक कलर की है ना वो ज़्यादा मीठी हैं, दूसरी नहीं मीठी। आ जाओ उधर आके चलें। देखो इस तरफ जाते हैं, ये देखो। आज अगर धूप होती ना तो ज़्यादा मज़ा आना, मुझे तो अभी ठंड लगना शुरू हो गई है। सबीना इधर आओ, ये देखो ये क्या चीज़ है। ऑनियंस। अच्छा फ्रेश ऑनियंस।
देखो कितने ज्यादा लगे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से लगे होते हैं जमीन के अंदर। हाँ वैसे देख तो मैं भी पहली दफा रहा हूँ कि इस तरह जमीन के अंदर लगते हैं, लाइक ऊपर लगे होते हैं। बल्कि उतरे हुए हैं ये तो ऑलरेडी, क्योंकि इसके ऊपर जो होता है ना, ये पौधा जो होता है तो ये उतरे हुए क्यों, ये तो जमीन के बाहर निकले हुए हैं। ऐसे ही होते होंगे, जड़ अंदर ही नहीं है अभी तो, बस पक गए हैं ना, ऐसे ही होते होंगे ना, खुद ही बाहर आ जाते हैं पक के। ऊपर ही लगते हैं ना, ऐसे लगते हैं, ऐसे देखो, ऐसे पहली बार देखा है, ऐसे बस ऐसे। ये सामने आता मीना आल बुखारा की तरफ प्लम्स के। देखो नीचे कितने गिरे हुए हैं, सारे पक पक के, किसी ने उतारे नहीं है ना, जो पके हुए हैं ना तमीना वो डाल लो, काफी मजे के हैं ये, ट्राई करना। मीठे हैं ना, जो डाल लो। अभी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो अभी जाके चेक करते हैं जी इस तरफ क्या है। ब्लैक बेरीज, ऑनियन एंड प्लम्स वाली तरफ हम आए हैं, इस तरफ ऑनियंस हैं और इस तरफ टैमी स्ट्रेट है रास्पबेरीज। मान लीजिए इधर आ गया रास्पबेरीज फार्म, तो अभी इधर चलते हैं। बारिश तेज हो गई है, काफी ज्यादा हो गया। अभी किधर चलें तमीना, कौन ही रह गया, आई थिंक वो देखते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं घरों घर, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया जी। हमने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि हमारे साथ ये सीन हो जाएगा, बहरहाल क्या कर सकते हैं। अभी हम उधर आगे नहीं जा रहे, उधर आगे कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है स्वीट कॉर्न्स के फार्म में, तो अभी चलते हैं वापस क्योंकि हम काफ़ी दूर आ गए हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, ये सारा फार्म है, पार्ट साइड फार्म। पहले हम सबसे पहले स्टार्ट में इस जगह पे थे जहाँ से हमने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, फिर अभी हम चलते चलते ऑल द वे इधर तक आए हैं, पर इधर स्वीट कॉर्न फार्म है। बारिश काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है, तो अभी इरादा किया कि वापस चलते हैं। तमीना को जी अभी टमाटर नज़र आ गए, दूसरे वाले नहीं है, हाँ सैलड टमाटर। और अभी हम जी ये बाहर आ गए, तमीना को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो गई थी, तो फाइनली इसलिए अभी हमने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं। तो एंड में जो हम हमेशा बोलते हैं, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।